तथैवानुपसंहारी केवलान्वयि पक्षकः परतोवन्निमांसत्वा दिति तत्रादिमो भवेत् पृथ्वी नित्यागंधवत्वाद् इति स्यादपरस्तथा सर्वं तुच्छं प्रमेयत्वाद् इति तत्रांतिमो भवेत्। अब अनुपसंहारी का लक्षण कर रहे हैं, तथैव अनुपसंहारी का लक्षण क्या है? केवलान्वयी पक्षकः, केवलान्वयी है पक्ष जिस हेतु का, उस हेतु को अनुपसंहारी हेतु कहेंगे। दृष्टांत क्रमशः दे रहे हैं, साधारण अनेकांत का दृष्टांत है परत्वनिमान सत्वात् या प्रमेयत्वात् ऐसा लेते हैं। यदि तत्र आदिमो भवेत् और पृथ्वी नित्या गंधवत्वाद् ये अपर असाधारण अनेकांत का दृष्टांत है, सर्वं तुच्छं प्रमेयत्वात् ये अंतिम अनुपसंहारी का दृष्टांत है। तथैवेति सर्वं अभिधेयं प्रमेयत्वात् इत्यादि सर्वं तुच्छं वालेया कारिका कारणे मुक्तावली करके सर्वं अभिधेयं तुच्छं न करके अभिधेयं कह दिए। सर्वं अभिधेयं प्रमेयत्व इत्यादि सर्वस्यैव पक्षत्वात् सभी के सभी पक्ष के अंतर्गत आ गया, इसे सामनाधिकरण निग्रह स्थलांतर अभावात्, सामनाधिकरण को ग्रहण करने वाला व्याप्ति ग्रहण का स्थलांतर सपक्ष नाम का चीज बचेगा नहीं कुछ भी, अतएव नानमिति स्यात् अनुमिति नहीं होगी। इदं तो न सम्यक् नव्य कहता है, यह कहना ठीक नहीं। पक्षेक देश को भी दृष्टान्त बना सकते हैं, पक्षेक देशे सहचार ग्रहे अभी क्षतिर अभावात्, पक्ष एक देश में सहचार ग्रहण करके संपूर्ण पक्ष में हम उसको सिद्ध करना चाहें तो कोई गलत नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है, कोई क्षति नहीं। तब पूर्व पक्ष कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, उनके मत में संभव नहीं है ये, क्योंकि प्राचीन न्यायिकों के दृष्टिकोण में पक्ष एक देश को दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता है। अस्तुवा सहचार अग्रह, इसे पक्ष एक देश को लेकर सहचार ग्रहण नहीं होता कह रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ परम घटा सकते हैं। तावदापि ज्ञान रूप असिद्धिर्रेवा, फिर भी उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? अज्ञान रूप असिद्धि है, मानी व्याप्ति ज्ञान का अज्ञान, व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ, व्याप्ति का अज्ञान रूप असिद्धि मानी जाएगी, वो पंचहेत्वाभाष में है ही नहीं है। न तो हेत्वाभाषत्व तस्य, उसमें हेत्वा हेत्वाभाषत्व को घटाएंगे ही नहीं, ऐसे स्थल को हम हेत्वाभाष में गिनेंगे ही नहीं। तो ठीक है, हमारे मत में ऐसा है, फिर आपके मत में क्या, आप नहीं मानोगे नव्य? कैसे नव्य कहता मानते हैं, इन लक्षण थोड़ा अंतर कर देंगे। तथापि केवलान्वय साध्यकत्व तत्वमित्युक्ता, केवलान्वय साध्यक, इसलिए मैं अभिधेयत्व को लूंगा साध्य, तुच्छत को नहीं, तुच्छ जो है केवलान्वय नहीं है, अत्यंत असत को तुच्छ कहा जाता है, वो केवलान्वय कैसे बनेगा? भाव और अभाव विचार जो होता है भावों को ही रहेगा, प्रतियोगी के बिना कैसे कटेगा, अतएव उसको हम दृष्टांत मानेंगे नहीं। सर्वम तुच्छम को, सर्वम अभिधेयम को, और अभिधेयत्व क्या है? केवल अन्वय साध्य है, केवल अन्वय साध्य जिस हेतु का, ऐसे हेतु हो जाएगा प्रमेयत्व, तो इसको अनुपसंहारी कहूँगा। लक्षण में पक्ष को हटा करके साध्य को जोड़ देने से बन जाएगा काम। टीका मूले तथैव अनुपसंहारी यदि प्राचीन मते केवलान्वय पक्षकत्व अनुपसंहारिणो लक्षण, ये उनका लक्षण। केवलान्वयी मैंने अत्यंताभाव प्रतियोगी पक्षो यस्य सह हेतु, केवलान्वयी का मतलब अत्यंतभाव का अप्रतियोगी है पक्ष जिसका, ऐसा जो हेतु उसका नाम केवलान्वयी पक्ष कहो। केवलान्वयी धर्मावच्छिन्न पक्ष का हेतु रीति यावत्, केवलान्वयी धर्म है सर्वत्र धर्म, तदवच्छिन्न पक्ष हो गया सर्व, वह है पक्ष जिसका हेतु हो जाएगा आपका प्रमेयत्वात् हेतु, और प्रमेयत्वात् हेतु इसलिए अनुपसंहारी कहा जाएगा। यथा सर्वत्व केवल अन्वय धर्म पक्षतात्र साध्य संशय रूप ग्राह्य, पक्षता जो है ये नवियों का लक्षण नहीं लेना, सीधा सीधा साध्य संशयात्मक लेना। तेन सर्वविधेयं प्रमेयत्वा इत्यत्र सर्वस्यैव पक्षत्वात् तत्र साध्य संशय सति हेतु साध्य सामानाधिकरण संशयेन, जब संपूर्ण चीज़ को पक्ष में ले लिया वहाँ साध्य का संशय होने पर हम हेतु का साध्य सामान्यकरण पहले ढूंढेंगे। ये अब साध्य को सिद्ध करना है तो हमें पहले हेतु का साध्य के साथ सामान्यकरण कहीं देखना पड़ेगा, तब हम उस साध्य को पक्ष में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, साध्य सामान्यकरण संशय ना
सामनाधिकरण ग्रह स्थलांतर अभावात, लेकिन सामनाधिकरण करने वाला स्थलांतर न होने से सामनाधिकरणात्मक व्याप्ति निश्चय प्रतिबद्धते, सामनाधिकरण्यात्मक जो व्याप्ति का निश्चय ही प्रतिबद्ध हो गया। इस व्याप्ति का प्रतिबद्ध होने से आगे कार्य सब खत्म, अनुमिति नहीं होगी। किंच तत्र यदा सिद्धि सस्यात ईशाच, यदि आपके अनुसार चलता हूँ और उसमें क्या हो सिद्धि भी है और शिक्षा भी एक साथ हो तो तथा साध्य निश्चय संभव है ना, तब तो साध्य का निश्चय भी संभव है। सिद्धि सामने है ना, सिद्धि के सहयोग से हम कर लेंगे और शिक्षा अनुमिति भी हो जाएगी। साध्य का निश्चय संभव है ना, सामनाधिकरण घटित व्याप्ति के संभवात, सामनाधिकरण घटित जो व्याप्ति है उसका भी ग्रहण करना संभव हो जाता है। तस सद्य तो हो तो समस्या होगी, फिर तो हम उसे सद्य तो कहना पड़ेगा, फिर तो साहित्य वासकोटी में जाएगा ही नहीं। वो तस सद्य तो अलक्ष्यतया अलक्ष्य हो जाएगा। अरे शिषा दिशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव विशिष्ट पक्ष से तत्ता केवलान्वित्वेपि न तत्रति व्याप्ति, शिषादेश विरह विशिष्ट सिद्ध भाव से विशिष्ट जो पक्षतारूप परामर्श उस केवलान्वित स्थल में होने पर न तत्रति व्याप्ति, वहाँ कोई अतिव्याप्ति दोष लागू नहीं होता। इति मूल अभिप्राय। अतः मूल कार्य के अनुसार ये यदि आप किसी प्रकार से सिद्धि की सहायता से कहीं पर निश्चय कर लिया साध्य सामान्यकरण्य, फिर तो हमारे लिए सदहेतु हो जाएगा, वह तो वासकोटी में ही नहीं आएगा। और ये सर्वम पक्षी के कारण से कहते हो सिद्धि हमको कहीं हो भी रहा है वो सर्वकोटि से अंतर्गत नहीं लेंगे हम। फिर ये सर्वकोटि के अंतर्गत सारी चीज़ आ गए, कहीं एक जगह ले भी रहे हो अप्रामाणिक माना जाएगा। कि सर्व में जब संशय हो गया एक देश में निश्चय कहाँ से होना है। तंडुल पाखन न्याय के अनुसार क्या है, एक देश में निश्चय हो गया सर्व देश में निश्चय हो जाना चाहिए, लेकिन सब सर्वदेश में ही संशय हो गया तो एक देश हम निश्चय नहीं कर सकते। यदि एक देश निश्चय मान लिया आपने फिर तो सद हेतु हो जाएगा, अनुपसमारी कोटि में नहीं आएगा। इसलिए हमें सर्वदेश में ही संशय मानेंगे तो सामने ग्रहण नहीं होगा तो अनुपसमारी हेतु बन जाएगा, ऐसे प्राचीनों का अपना कहना है। मुक्तावल्याम अनुपसमारण हितभाषम उपपादयति सर्वविधेयम इत्यादि सर्वम पक्ष अविधेयम मैंने अभिधा ईश्वरेच्छा शक्ति ईश्वरेच्छा विषयत्वमिति यावत् ये साध्यम भवति प्रमेयत्वात् ईश्वरीय प्रमा विषयत्ता इति हेतु अत्र सर्वत्वं धर्म सप्त पदार्थेषु वर्तते है, सातों पदार्थों में है, अगे ना भाव भाव सब जगह है वो। अतः स अत्यंत भव प्रतियोगी, इसे उसका अत्यंत भव कहीं मिलेगा ही नहीं। अजय सर्वत्व नाम का जो धर्म है अत्यंत भव प्रतियोगी धर्म हो गया। यदि केवलान्वय धर्म सर्वत्व तदवच्छिन्न से सर्वस्य संपूर्ण नाम के सर्व नाम की चीज ही पक्षत्वात् पक्षत्या पक्ष होने के कारण से सामान्य ग्रह स्थलांतर अभाव आदि थी सर्वत्र पक्षे साध्य संध्यात् सर्वत्र पक्ष साध्य संध्या जो है तो सपक्ष विपक्ष अप्रसिद्धेश्च सपक्ष विपक्ष की अप्रसिद्धि हो जाएगी। साध्यत्व सामग्रणात्मक व्याप्ति ग्रहार्थम साध्य और हेतु का सामनाधिकरण ग्रहण करने के लिए व्याप्ति ग्रह करने के लिए स्थल अनुपलम्बाद स्थल उपलब्ध नहीं होता। अत व्याप्ति ग्रहात्मक कारणाभाव है ना, इसे व्याप्ति ग्रह ही न होने से वही प्रतिबंधित हो गया। इसे कारण के अभाव होने से कार्य अनुमिति नहीं भवती, अनुमिति रूप कार्य नहीं होगी। इति अनुपसंहारण हेतु भाषोत्तम इति भाव, ये प्राचीन के अनुसार हो गया। नव्य प्राचीन मतम खंडयति, नव्य गते नहीं हो सकते। इदं तो न सम्यक कह दिया, मैंने इदम प्राचा मतम मैने असम्यक हेतु क्या है पक्षेक देश इत्यादि सर्वस्येक देशे घटे सहचार ग्रहे अपि साध्य हेतु सामनाधिकरण ग्रहे जायमान है कि सर्व के एक देश घट में सहचार ग्रहण होने पर अर्थ साध्य और हेतु का सामनाधिकरण ग्रहण होने की संभावना है, अतएव उत्पन्न होने पर आप असंभव दोष नहीं दे सकते। क्षतिर अभावत तदानीम केवलान्वयी पक्षकत्वस्य अनुसंहारित्वस्य क्षत्रभवात्, तब भी केवलान्वयी पक्षक जो है हेतु को अनुसंहारी मानने में कोई क्षति भी नहीं है। तथा च सर्वत्रावच्छेदन पक्षे संशय सामग्री सत्वेपि, सर्वत्रावच्छेदन पक्ष में क्या हमारे पास संशय रूप सामग्री है, इन घटत्वावच्छेदन साध्य निश्चय उत्पाद है। घटत्वावच्छेदन हमने क्या कर लिया
साधक ऋषि उत्पन्न कर लिए हैं। तब बाधका भावात अत में कर परस्पर कोई विरोध नहीं है, परस्पर बाधका नहीं है। अतएव पक्षे के देश घटे एव यत्र घटे प्रमेयत्वम तत्र घटे अविधेयत्वम इति अविधेयत्व सामान्य ग्रह से जायमानत्वेन तत्र निमित्तेर निरापादात अनिमित अवश्यम भावी होगी। तत्र प्राचीनोक्त अनुसमाहारित्व ज्ञानस्य अनुमित करण अन्यतर प्रतिबंधकत्व अभावात तस्य न हेतु वास्तु। लेकिन प्राचीन के मत के अनुसार अनुमित तत्करण अन्यतर का प्रतिबंधक होना आवश्यक है, तार्श हेत्वास का लक्षण न जाने से हेतु हम हेत्वास नहीं मान सकते उनके अनुसार। इन क्षेत्र बात क्यों कह दिया, हमारे अनुसार हम घटाएंगे ना, हम लक्षण बदल देंगे, यह अनुपसमार हेतु रहेगा, सदहेतु नहीं हो जाए। तो इसे आप कह रहे हो यदि आपके लक्षण न जाने से आप सदहेतु कहना पड़ेगा आपको, लेकिन हम लक्षण क्या करेंगे, इसलिए वो तो वही रहा अनुमित तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक तो हमारा वही रहेगा दोषा लक्षण, लेकिन अनुपसमहारी का ही लक्षण बदल दूंगा, पक्ष हटा दो साध शब्द लिख दो काम बन गया। तब पक्ष के देखो दृष्टांत बारे में कोई दोष नहीं, हम क्या हमारा लक्षण क्या है, केवल अनुवयी साध्य को कह दूंगा, पक्षक मत कहो। यदि केवल अनुवयी पक्ष लोगे पक्ष क्या सर्व सर्वांश में संशय हो गया तो एकांश में निर्णय नहीं कर पाओगे, अब यह विपरीत दोष नहीं रहेगा, क्योंकि केवल अनुवयी साध्य जिसका उस हेतु को अनुसंहारी कहूंगा, पक्ष भले केवल अनुवयी रहे कोई आपत्ति नहीं। ननु प्राचीन मते समान विषयत्व नैव आ गया ना, क्योंकि प्राचीन मत में क्या है समान विषयत्व प्रतिपत्ति प्रतिबंधक भाव मानते हैं, प्रतिबंधकत्व सर्वत्तावच्छेदन साध्य संशय काले अपि सर्वांतर्गत घटत्तावच्छिन्न अपि साध्य निश्चय न भवत्य उनके अनुसार, कि सर्वत्तावच्छेदन साध्य संशय काल में सर्वत्तावच्छेदन यदि निश्चय हो तो प्रतिबंधक बनेगा ना, प्रतिपत्ति प्रतिबंधक भाव समान विषय में होता है, और जो सर्वदेश और एक देश लूंगा समान विषय रहा ही नहीं, अतः उन्हें प्रतिपत्ति प्रतिभाव ही नहीं रहेगा, साध्य निश्चय न भवत्यव इतता अस्तु इत्यादि ना। ठीक है, आपके मत के अनुसार हम चलें समान विषय में ही प्रतिपत्ति प्रतिभाव मानते हो, फिर तो हम स्वीकार करते हैं सर्वावच्छेद संशय के लिए विरोधी कौन होगा, सर्वावच्छेद निश्चय विरोधी होना चाहिए, और एक देश ने आप निश्चय किया वो विरोधी रहा ही नहीं, व्यर्थ जाएगा। इस अनुपसंहारी का हमारे लक्षण में कोई दोष नहीं दिया आप कहना चाहें तो भी ठीक है, सहचर अग्रह मैंने घटे भी साध्य तो सामान्य अग्रह अस्तु, घट रूपी एक देश में साध्य का सामान्य हेतु के साथ भले ग्रहण न होवे फिर भी तावतापि मैंने तथापि तो फिर भी दोष आपके अनुसार घटेगा नहीं। तत्र स्थले अज्ञान रूप असिद्धि रेवा, और हम क्या कहेंगे फिर व्याप्ति ज्ञान हुआ नहीं, व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधित नहीं हुआ, व्याप्ति का अज्ञान हो गया, इसे अज्ञानात्मक असिद्धि है यहाँ पर, और किसी विषय के अज्ञानात्मक असिद्धि हुआ करता है उसका दोष में गिनती नहीं है, नहीं तो अज्ञान भी हेतु आभास में गिनोगे क्या, अज्ञान तो सर्व विषय को हो सकता है, किसी विषय को लेकर के हो सकता है, इसे हम हेतु आभास कोटि में अज्ञानात्मक वस्तु को लेकर के असिद्धि करके गिन नहीं सकते। व्याप्तिग्रह अभावात्मिका असिद्धि, अज्ञानारूप असिद्धि का मतलब व्याप्ति ग्रह के अभावात्मिक असिद्धि, कारणासिद्धि रेव उसका तात्पर्य कारणाभाव हो गया, और कार्य नहीं हो रहा है तो खुशी की बात है। पुरुष से दूषणम मंतव्यम, ये पुरुषगत दोष है हेतुगत दोष नहीं है, न तो तस्य सहचर अग्रह से सामान्य ग्रहण अज्ञान से सामान्य ग्रह अविषय हेतोर इति यावत, तस्य मने सहचर अग्रह उसी की व्याख्या, सामान्यधिकरण अज्ञान उसके और स्पष्टकरण सामान्यधिकरण ग्रह का अविषयभूत हेतु ये चीतियावत न आवासत्वम दुष्टत्वम न कैसे जुड़ेगा न तो दुष्टत्वम इति न तो तस्य दुष्टत्वम तथा च सहचर अग्रहस्य स्वरूप सत एव अनुमिति अनुत्पाद प्रयोजकता, सहचर का अग्रह जो है स्वरूप सत ही स्वयं अनुमिति के उत्पादक नहीं हो सकता, अनुत्पाद प्रयोजक होने के नाते तार्श अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्व भावात तार्श अन्यतर प्रतिबंधक रूप ज्ञान का विषय न होने के कारण से हेत्वास लक्षण अगमनात् न हेत्वभासत्व इति भाव, तुम्हारे मत में फिर स्थल हेत्वभास का स्थल ही नहीं बनेगा। न चित्र सहचर अग्रह प्रयोजक संशय एव हेत्वभास वाच्य, इस सहचर अग्रह प्रयोजक जो संशय है ना वह संशय के कारण से हेत्वभास मान लो इति न च वाच्यम,
तस्यापि स्वरूपसतये विरोधित्वात् वह भी स्वरूपत ही विरोधी बन सकता है। न च संशय विशेष्य साध्य व विशिष्ट पक्षादिरेव तत्र हेतवासत्वेति वाच्य। और संशय के विषय भूता साध्य व विशिष्ट पक्ष आदि इसी को में हेतवास कहेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि स्वरम में अभिधेम इत्यादो अभिधेत्व अभाव विशिष्ट पक्षस्य अप्रसिद्धि। अभिधेत्व अभाव विशिष्ट सर्व कहाँ देखो गया कि जो कुछ भी सर्व है वो अभिधेत्व विशिष्ट ही है, तो अभिधेत्व अभाव विशिष्ट पक्ष रूपा सर्व कहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं तुम्हें, इसे उसको भी हेत्वास का लक्षण नहीं मान सकते आप। क्यों? सर्वम अभिधेयम इत्यादि अभिधेय अभाव विशिष्ट पक्ष अप्रसिद्ध है। ननु संशय विशेषाध्यादेरेव हेत्वासमस्तु, अब आगे ना संशय विषय साध्यादि का दो पक्ष हटा दिया, स्वयं पूर्व पक्षी प्राचीन ने बोलते बोलते नवी की भाषा बोल पड़ा, यदि चैन ना लेकिन जैसा आप कह रहे हो वो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशय छोड़ दिया ना आपने, हम क्या करें केवलान्वय साध्यक हेतु और आपने संशय का घुसा दिया, इसे ये भी लक्षण आधा आधुर हमारा आधा ले रहे हो और आधा अपनी बात जोड़ रहे हो, ठीक नहीं है। बाद भ्रमवारणाय यादृश विशिष्ट विषय ज्ञान अनुमिति प्रतिबंधक तस्य हेत्वासत्व प्राक सिद्ध हेतुत्वात्, आपने संशय को लेकर दोषों को निवारण करने के लिए बाद संशय में अत्याप्त निवारण करने बाद भ्रम स्थल में आपने विशेषण दिया यादृश तादृश जोड़ दिए हैं, इसलिए यहाँ पर एतादृश प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव आप कल्पना नहीं कर सकते। ननु तरी नवे में देख कीदृशम अनुसंहारी व्यभिचार लक्षणम, ठीक है हमारा लक्षण ठीक नहीं है लेकिन आप अपना लक्षण तो बताइए, आपके मत अनुपसंहार के लक्षण क्या होएगा? तब गति दाहो तथापि केवलान्वय साध्यकत्वमिति, इतना ही करो, केवलान्वय अत्यंत अभाव अप्रतियोगी साध्यम यस्य हेतो तत्तम अनुसंहारित्व लक्षण बनेगा। उक्तान अनुसंहारी अत्यंत अभाव प्रति साध्यकाधीर इति ग्रंथेन पूर्वम अभिहितम इत्यर्थ, ये बात पूर्व में हम कह चुके हैं, इत्युक्तम था ना मूल में उक्तम पर बोल रहे पूर्व में कह चुके हैं। इदम उपलक्षण, ये भी उपलक्षण है, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलकत्वम अपि लक्षण बोध्यम, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का जो प्रतिबंध करे, प्रतिबंध करना ही है फल जिसका, उसको हम अनुपसंहारी कह देंगे, माने व्यतिरेक व्याप्ति कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यत्र प्रमेत्वाभाव तत्र अविदेत्वावलाना है, आपने कहाँ दिखाओगे, सर्वम तो पक्ष है आपका, इसे व्यतिरेक व्याप्ति कहीं ग्रहण नहीं कर सकते आप, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति को प्रतिबंध करना है फल जिसका, ऐसा जो हेतु को भी हम अनुपसंहारी करके लक्षण बना सकते हैं। वास्तव में अनुपसंहारित्व निश्चय व्याप्ति संशय उपधायकत्वेन व्याप्ति के प्रतिगतम अनुसंधेयम, अनुसंहारित्व का जहाँ निश्चय होता है जिस हेतु में, वह हेतु व्याप्ति संशय का उपधायक होने के कारण से व्याप्तिग्रह प्रतिबंध हो जाना ही मुख्य फल होता है, चाहे अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरिक व्याप्ति हो, व्याप्ति सामान्य का प्रतिबंधन हो जाता है। अनुपसंहारेण पूर्व पक्ष लक्षण आनी, पूर्व पक्ष लक्षण आठ है, सिद्धांत लक्षण दो ही मिलेगा, असत पक्ष विपक्षत्व, सपक्ष और विपक्ष जिसका अविद्यमान है, असत माने अविद्यमान, अविद्यमान सपक्ष विपक्षकत्व, केवलान्वय धर्मावच्छिन्न पक्षकत्व जिस पर विचार हो चुका है, अत्यंत अव प्रतियोगी साध्यकत्व सति केवल अन्वयी धर्मावच्छिन्न पक्षकत्व, अत्यंत अभाव प्रतियोगी का साध्यत्व तो ले लिया, ये तो सिद्धांति का है ना पक्ष है, नवियों का लक्षण था लेकिन अपना भी जोड़ के बिगाड़ दिया और जोड़ दिया केवलान्वय धर्मावच्छिन्न पक्षकत्व जोड़ दिया। विप्रतिपत्ति विषय मातृवृत्तित्व, विप्रतिपत्ति के विषय मातृवृत्ति तो सारे हेतु हैं, आप अनुपसंहारी क्यों कह रहे हो, जितने भी हेतु दिए जाते हैं जैसे हेतुवास दोष दिया जाता है वो विवादास्पद हो गया ना, ये प्रतिपत्ति के विषय है वो, तो सभी लक्षणों अन्य हेतु हेतुवास में अतिव्याप्ति हो जाएगी लक्षण। व्याप्ति ग्रहानुकूल सहचार निश्चयत्वावच्छिन्न विरोध रूपवत्वमिति, व्याप्ति ग्रहण के अनुकूल सहचार का निश्चयत्वावच्छिन्न जो निश्चय होना है उसके विरोधी का नाम अनुपसंहारी। केवलान्वय धर्म अवच्छिन्न साध्य संदेह विषय वृत्तित्वम, जब यहाँ संदेह जोड़ के गड़बड़ किया, साध्यवत्ता निश्चय सामान्य विरोधी संशय विषय वृत्तित्वम,
साध्य संशय विषयता व्याप्य साध्य सिद्ध अनुकूल व्याप्तिग्रह औपिक सत्ताकत्व अतः अनुपसंहारी सिद्धांत लक्षण। यह आठ हो गया उनका, इस आठों में संशय शब्द आकर के गड़बड़ हो गया। व्याप्तिग्रह अनुकूलैक धर्मी उपसंहार अभावत्त, व्याप्तिग्रह के अनुकूल एक धर्मी में माने कोई दृष्टांत में उपसंहार का अभाव वाला जो हेतु है उस हेतु को कहेंगे हम अनुपसंहारी। अतः लंबा लक्षण करेंगे, विशिष्ट साध्य साधन ग्रह अविरोधिनो, विशिष्ट साध्य साधन के ज्ञान का अविरोधी ज्ञान से विषयतया ज्ञान का विषय होते हुए व्यतिरेक व्याप्तिग्रह विरोधितावच्छेद रूपवत्त, व्यतिरेक व्याप्तिग्रह के विरोधी होना चाहिए वो ज्ञान, वह हेतु का ज्ञान। इति मैंने अन्वय व्याप्ति को स्वीकार कर रहे हैं, व्यतिरेक व्याप्ति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तादृशम रूप साध्यादि अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वादिकम, तादृश जो है साध्य साध्यादि के अत्यंत भाव का अप्रतियोगित्व का नाम जो है अनुपसंहारी। सत्प्रतिशय नहीं जा सकता, सत्प्रतिशय कभी भी हेतु या साध्य केवल अन्वय नहीं होता है। मूले यह साध्यवती इति इत्यादि आरंभ करेंगे, अविरुद्ध हेतु में जा रहे हैं। यह साध्यवती नहीं वास्ति सा विरुद्ध उदाहृत, जो साध्यवती साध्यवती मने सपक्ष, सपक्ष में नहीं वास्ति, सपक्ष में हेतु नहीं है, स विरुद्ध उदाहृत। यह साध्यवती इति एव कारण साध्यवत्तावच्छेदन हित्वा भाव बोधिता, एव कार्य के द्वारा साध्यवती में एक अधिकरण नहीं लेना कोई साध्याधिकरण, किंतु साध्यवत्वावच्छिन्न सकल साध्यवान को ले लेना है। इसे एवकार के द्वारा साध्यवत्वावच्छेदन साध्यवत्व में हेतु भाव को बोधित किया गया है। तथा च साध्य व्यापक भूताभाव प्रतियोगित्वम तदर्थ, साध्य के व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व का नाम जो है विरुद्ध हेतु हो जाएगा, और साध्याभाव के व्यापक भाव प्रतियोगित्व होने का नाम सजेतु। सजेतु क्या व्यतिरिक व्याप्ति ही होता ना, साध्याभाव व्यापक भूताभाव का प्रतियोगी का नाम ही जो व्यतिरिक व्याप्ति है, और उसके विपरीत क्या है साध्याभाव में से साध्य रखा, बाकी सब तो वही है न। साध्य व्यापक भूताभाव कह दिया, साध्याभाव का व्यापक भूताभाव नहीं किंतु साध्य के ही व्यापक भाव लेना, इधर सजेतु का विपरीत है ये, इसे विरुद्ध हेतु हो गया। ये यहाँ देखिए टीका पूरा करो, विरुद्ध का यो हेतु साध्यवती मैंने साध्याधिकरण महान साधो देखो न वर्तते स हेतु विरुद्ध नाम उदाहरतः। मुक्तावल्या कारिकास्त नैवास्ति इति एवकार व्यावर्त्यम दर्शित, नैव क्यों कह दिया एवकारो एवकारेण इत्यादि, यदि साध्यवत्वावच्छेदेन हेतुभव न विवक्षित, यदि साध्यवत्वावच्छेद हेतुओं की विवक्षा नहीं करोगे सभी सद हेतु भी क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं असद हेतु बन जाएगा। तथा यह साध्यवती नैव अस्ति इति यथाश्रुत मूलस्य अर्थः साध्यव निरूपित वृत्तित्व सामान्य अभावत्तम इत्यात्मक विरुद्धत्तम असाधारण दोषात्मकम स्याद, फिर तो असाधारण दोष का लक्षण बन जाएगा वो। इति गलत छपिए, वृद्धे को काटिए, असाधारण अतिव्याप्ति से इति भाव, असाधारण अनेकांतिक में अतिव्याप्ति हो जाएगा। हेतु भावे साध्याधिकरण व्यापकत्व निवेश अपेक्षया लाघवेन साध्य व्यापकत्व निवेश अभिप्रायण फलितार्थम वाह, हेतु भाव में फलितार्थ कथन करते तथा इत्यादि से साध्य से व्यापकी भूतो यो अभाव कौन हो जाएगा हेतु भाव, तत्प्रतियोगित्व कहाँ आएगा हेतु, इति हेतु में क्या हो गया विरुद्ध का लक्षण घट गया। तदर्थ मैंने मूलस्य तात्पर्य विषय भूतार्थ तेन असाधारण नाति व्यक्त, ठीक हो गया ना अभियान। इति स्थलंतो स्थल क्या होगा अयम पिंड गोत्वान अश्वत्वादिति, ये जो पिंड कैसा है गोत वाला है अश्वत्व वाला होने के कारण से, साध्य के साध्य कौन है गोत्व, उसका व्यापकी भूत अभाव हो जाएगा अश्वत्वाभाव, अश्वत्व का अभाव, तब प्रतियोगित क्या हो जाएगा अश्वत्व में ही आ गया। पिंड तो गौ है, अयम पिंड क्या गौ को बता रहा है, गोत्वाल तो है वो, इन हेतु क्या दिया सिद्धि में अश्वत्व तो दे दिया, ये विरुद्ध हेतु हो गया, गोत्व का समानाधिकरण नहीं बन रहा है कौन
अश्वत्व किंतु गोत्व के व्यापति अभाव का प्रतियोगी हो रहा है, असमराजभूत वस्तु बन गया। ये विरुद्ध हेतु का लक्षण है। सच विरुद्ध विधि साधने त्रिविध, निषेध साधने भी त्रिविध। विधि दृष्टिकोण से तीन है और निषेध दृष्टि से भी तीन प्रकार का माना गया। कौन से? साक्षात साध्य भाव व्याप्यत्वात् और साध्य व्यापका भाव व्याप्यत्वात् और साध्य व्यापकी व्यापक वृद्धोपलम्भात् इति। साक्षात साध्य भाव का व्याप्य हो जाना अथवा साध्य के व्यापक भाव का व्याप्य होना जो अभी लक्षण बता चुके हैं, अथवा साध्य व्यापक वृद्ध की उपलब्धि हो जाना, एक ही दृष्टांत तीनों के लिए दे रहे। धूमवान अयम, अयम पर्वत धूमवान, धूम या साध्य क्यों ये तो क्या दे रहे हैं? योग्य धूम वत्तया अनुपलभ्य मानत्वात्, योग्य धूम वत्तया उपलब्ध न होने से। ये क्या है? साक्षात साध्य भाव का व्याप्य है। साध्य कौन था? धूम। साध्य या धूम, साध्य भाव जाएगा धूमा भाव, धूमा भाव का व्याप्य कौन होगा? धूम की अनुपलब्धि। भाई जहाँ जहाँ धुएं की उपलब्धि नहीं होती है वहीं वहीं तो आप कहोगे धूम अभाव है। इसे ये जो अनुपलम्भात कहा है, योग्य धूमवत्तया अनुपलब्ध मानत्वात्, मैंने क्या है? योग्य धूमवत्त धूमाधिकरण रूपेण उपलब्ध न होना, अर्थात धूम अभाव का उपलब्धि हो रही है। अच्छा साध्य भाव का व्याप्य होगी नहीं अनुपलब्धिया, यत्र यत्र योग्य धूमवत्तया अनुपलब्धि तर तत्र धूम अभाव हो जाएगा। कि जहां जहां पर योग की धूम की उपलब्धि नहीं होती है वहीं वहीं पर तो मुझे धूम अभाव का ज्ञान होगा। अच्छा साक्षात साध्य के अभाव का व्याप्य हो गया कि नहीं हो गया? पहला लक्षण का ये हेतु बन गया। दूसरे लक्षण के प्रति हेतु कौन दे रहा है? कहते निरग्निकत्वात् कर दिया। पर्वतो धूमवान निरग्निकत्वात्, ये साध्य भाव का व्यापक नहीं बन रहा है किंतु साध्य के व्यापिकुत भाव का प्रतियोगी बन रहा है। साध्य कौन? धूम। धूम का व्यापकी भूत अभाव कौन होगा? वन्य भाव। वन्य भाव के प्रति कौन है? वन्य। निरग्निकत्व में चला गया। और अंत वाला है जलाशयत्वात्, अयम पर्वत धूमवान जलाशयत्वात् कह दिया। अब यहां अंत वाला लक्षण घटे कौन? साध्य व्यापक वृद्धोपलम्भात्, साध्य का व्यापक कौन है? धूम का व्यापक हमेशा कौन होता है? वन्नी। उसके विरुद्ध है जलाशय। अच्छा तीनों प्रकार का विधि मुख से कथन करने वाला दृष्टांत घट गया। और निषेध साधने भी त्रिविधा, निषेध साधन वाला वृद्ध हेतु भी तीन प्रकार का होता है। प्रत्योग्य उपलम्बात, साध्य व्यापक अभावोपलम्बात, साध्य व्यापक वृद्धोपलम्बात, तीन प्रकार का। इसके लिए दृष्टांत क्या है? यथा निरग्निको अयम अग्निमत्वात्, अयम पर्वत निरग्निक क्यों? अग्निमत्वात् हेतु, धूमाभाव शून्यत्वात् धूमवत्वात्, तीन हेतु दे दिया। पहला वाला लक्षण प्रत्योग्युपलम्बात् कर दिया। यथा पर्व अयम पर्वत निरग्निक बोला ना आपने, अग्निमत्वात् कह दिया। तो निरग्नि का मैंने अभाव का, अग्नि भाव है, निरग्नि का मतलब अग्नि भाव, उसका प्रतियोगी कौन है? अग्नि। उसको आपने हेतु का पक्ष में है बोल रहे हो, अग्निमत्वात् बोल रहे हो। से साध्य भाव का प्रतियोगी हो जाना भी निषेध मुखीन वृद्ध का लक्षण बन गया। धूमा भाव शून्यत्वात् उसके लिए साध्य व्यापक भाव उपलम्भात् इत्यर्थ। साध्य क्या है? निरग्निकत्वम, उसका व्यापक भाव कौन है? अग्नि भाव। अग्नि भाव के द्वारा उपलब्ध होने से कि धूमा भाव शून्य स्थल में हमेशा अग्नि भाव मिलेगा ही वहां। धूमवत्वाद अंत वाला साध्य व्यापक वृद्धोपलम्बा पूर्वत्ति है, साध्य के व्यापक के वृद्धोपलब्धि हो रही है। निरग्नि का व्यापक कौन है? निरग्नि साध्य हो गया निरग्नि, उसका व्यापक कौन होगा? अग्नि भाव। उसके विरुद्ध आप कह रहे हो धूमोत्पात, उसके विरुद्ध में अग्नि है कह रहे हो आप। अग्नि है का मतलब क्या है? धुआं है वहां पे, ये सिद्ध हो जाता है। सर्वश्चयम विशेषण द्वारा भी यथा, ये सारी चीजों को
विशेषण के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। कृष्णा गुरु प्रभु वन्यमानयम, इतना दे दिया। वन्य कैसा है? कृष्णा गुरु भव उत्पन्न वन्यमान। क्यों? कटुक असुर भी पांडुर्धुमवत्वादिति, कटुक और असुर भी पांडुधूम होने के कारण से इस प्रकार से विशेषणों के माध्यम से करके भी वृद्धित्वों को घटाया जा सकता है। आश्रय सिद्धि राज्या स्यात् स्वरूपा सिद्धिरप्यथ व्यापित्वा सिद्धिरपरा स्याद सिद्धिरतस्त्रधा। कद आश्रय सिद्धि पहली आद्या असिद्धियों में, अपरा मैंने दूसरा जो था स्वरूपा सिद्धिरपर हो, और अंत वाला है अपरा व्याप्यता सिद्धि। इस प्रसिद्धि तीन प्रकार की है, असिद्धम विभजते आश्रय सिद्धि इत्यादि। पक्षा सिद्धिर यत्र पक्षो भवेन मणिमयो गिरिहि, पक्षा सिद्धि में आश्रय सिद्धि का दृष्टान दे रहे। यत्र पक्ष, जहाँ पक्ष आपने क्या बना दिया? मणिमयो गिरिहि, मणिमय पर्वत है, वन्यमान धूमा तो वही रखो। मणिमय पर्वत कैसा है? वन्यमान धोमात। ये दृष्टांत हो गया कि पर्वत कभी मणिमय होता नहीं। अजय पक्षता उच्छेदक भंग हो गया मणिमयत्व, ये दृष्टांत समझना। पक्षा सिद्धि में आश्रय सिद्धि अर्थ मुक्तावली मित्र ही बोलती है। ठीक है, मूले आश्रय सिद्धि, आश्रय सिद्धि मैंने आद्या एक दोष, स्वरूपा सिद्धि द्वितीय दोष, व्याप्यत्व सिद्धि अपरा मन तृतीयो दोष, इत्यं त्रिविधो असिद्धि दोष भवति इत्यर्थः। तत्र आश्रय साध्यत्व और धर्मिणि पक्षे, साध्य हेतु का जो धर्मी है, साध्य और हेतु दोनों क्या है? धर्म है। वो धर्मी कौन है? उनका पक्ष होता है जिसमें रहते हैं। पक्षतावच्छेदकस्य अभावः, तार्श पक्ष में जो पक्षतावच्छेद प्रस्तुत किया गया है उसका अभाव हो जाने का नाम ही आश्रय सिद्धि है। पक्षे हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि ही, और पक्ष में हेतु का ही नहीं रह जाना इसका नाम स्वरूपा सिद्धि होता है। व्याप्यत्व से व्याप्त है असिद्ध, व्याप्य का व्याप्त असिद्ध हो जाना जो हेतु सिद्ध हेतु व्याप्यत्व सिद्धि, तार हेतु का नाम व्याप्यत्व सिद्धि हो जाएगा। असिद्ध सामान्य पूर्व पक्ष लक्षण है, असिद्धि के तीनों असिद्धियों में घट सके ऐसे असिद्धि का सामान्य लक्षण करेंगे वह नौ पूर्व पक्ष लक्षण है और दो सिद्धांत लक्षण है। देखिए एक एक करके बता रहे हैं, संक्षेप में पढ़ते जाओ। व्याप्य पक्ष धर्मता विरहवत्वम, व्याप्ति और पक्ष धर्मता विरहवत्वम, व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट अभावत्वम, और व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट ज्ञान विषय अभावत्वम, व्याप्ति पक्ष धर्मता अन्यत्र अभावत्वम, व्याप्य पक्ष धर्मता प्रमिति विरहवत्व, व्याप्ति प्रमिति पक्ष धर्मता प्रमिति विरह अन्यतरवत्व, व्याप्ति पक्ष धर्मता उभय प्रकार के निर्णय अभावत्व, पक्षतावच्छेद रूपेण पक्षे हेतुतावच्छेद रूपेण हेतु यद विशिष्ट ज्ञानम साधितावच्छेद विशिष्ट साध्यावगाही तद विरोधित्व, और विशिष्ट पक्ष विशिष्ट साधन वैशिष्ट्य विशिष्ट साध्य साध्य ग्रह अविरोधी यद व्याप्ति ग्रह विरोधी तद अन्यत्र सति परामर्श विरोधित्वमिति। इन नौ लक्षण कर दिए। असिद्ध है सिद्धांत लक्षण क्या है? साधारण्य कथिता असाधारण्य अनुसंहारित भिन्नम ज्ञानस्य विषयतया परामर्श विरोधितावच्छेदकम रूपम असिद्धि ही। साधारण्य जो कथित और असाधारण्य अनुसंहारित भिन्नम मैंने तीनों प्रकार के व्यभिचार से भिन्न, साधारण असाधारण और अनुपसंहारी, तीनों से भिन्न जो ज्ञान का विषय होते हुए परामर्श का विरोधितावच्छेद का हेतु है उस हेतु को हम असिद्धि सामान्य लक्षण बना देंगे। आश्रय सिद्ध्यात्म झंझटी खत्म कर दिया, तीन में से अन्यतम, अन्यतम कह दे तो तीनों में चला जाएगा। मूले पक्षा सिद्धि यत्र अनुमान प्रयोग है मणिमयो गिरी पक्ष क्रिए, तो जिस अनुमान प्रयोग में मणिमय गिरी को पक्ष बना लिया जाएगा तत्र स्थले हेतु पक्ष असिद्धि दोषवत्तम, हेतु में पक्ष असिद्धि ये दोष आ जाता है।
यथा मणिमय गिरी वन्यमान धूमादित्यत्र गिरो पक्षे पक्षतावच्छेद से क्या है, मणिमयत्वस्य अभावः, यही पक्षासिद्धि मन आश्रय सिद्धि रीति। पक्षासिद्धि पदार्थम आश्रय सिद्धि रीति आश्रितावच्छेद रूप विशिष्ट आश्रय असिद्धिर्थ, आश्रितावच्छेद रूप विशिष्ट आश्रय का असिद्धि हो जाता है। कने आश्रितावच्छेद का अवच्छिन्न जो पक्षतावच्छेद का से अवच्छिन्न जो पक्ष है वो अप्रसिद्ध है। आश्रय सिद्धि निश्चय कल क्या लाभ हुआ, कहते पक्षतावच्छेद विशिष्ट पक्षवृत्तित्वात्मक पक्षधर्मता ज्ञान प्रतिबंधकत्व दूषकता बीजम बोध्यम, यही दूषकता का बीज होता है। लक्षण तो ज्ञान से विषयतया विशिष्ट पक्षग्रह विरोधितावच्छेद रूप आश्रय सिद्धि, ज्ञान के विषय रूपेण विशिष्ट पक्षग्रह का विरोधितावच्छेद होता है, उस तार्श है जिसका विरोधितावच्छेद है जिस हेतु का, उस हेतु का आश्रय सिद्धि कहेंगे। पक्षतावच्छेद का अभावत पक्षकत्व इति प्रागुक्तम वा, अब सरल भाषा में जो पूर्व में कहा गया तो वही ले लो, पक्षतावच्छेद का अभाव वाला जो पक्ष है जिस हेतु का, बहुरी समाज सब जो कर देते हैं। इदं तो अवधातव्यम, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है भाई, पूर्व पक्ष यहाँ 15 लक्षण करेगा, उसके खिलाफ सिद्धांति 4 करेगा पहले, अंत में 1 में समेट देगा पूरे हो। न केवलम पक्षे पक्षत्व का भाव आश्रय सिद्धि ही, पक्ष में पक्षतत्व का भाव होने मात्र से आश्रय सिद्धि है ऐसे मत समझो, और भी कई लक्षण पकड़े जा सकते हैं। क्या क्या लक्षण है जी, पक्षे पक्षतावच्छेद विरह व्याप्य, पक्षे पक्षतावच्छेद विरह व्याप्य हेतु, पक्षे पक्षतावच्छेद अन्योन्य भाव, पक्ष में पक्षतावच्छेद का अन्योन्य भाव आ जाना, पक्ष में पक्षतावच्छेद अन्योन्य भाव का व्याप्य हेतु हो जाना, पक्षतावच्छेद में पक्षतावच्छेद का भाव, पक्षतावच्छेद में अवच्छेद का भाव हो जाना, सकल में घटना नहीं है किंचित तो भले चला जाए, पक्षतावच्छेद के पक्षतावच्छेद का अवच्छेद का अभाव व्याप्य, दोनों हर भाषा में ले रहे हैं, पक्षतावच्छेद के पक्षतावच्छेद का अवच्छेद का अन्योन्य भाव, अथवा पक्षतावच्छेद के पक्षतावच्छेद का अवच्छेद का अन्योन्य भाव का व्याप्य, पक्षतावच्छेद का अभाव व्याप्य कर दो सीधे पक्ष, पक्षतावच्छेद का अभावान पक्ष प्राचीनों का लक्षण है ही है, पक्षतावच्छेद का अभाव व्याप्यवान पक्ष ये नव्यंग है, पक्षतावच्छेद का न्यून्य भाववान पक्ष है, उसी को लेकर के भेद घटित लक्षण बना दिया, पक्षतावच्छेद का अन्योन्य भाव व्याप्यवान पक्ष है, पक्षतावच्छेद का अवच्छेद का भावत पक्षतावच्छेद कम, पक्षतावच्छेद का अवच्छेद से अवच्छिन्न नहीं है ऐसा पक्षतावच्छेदक है, पक्षतावच्छेद का अवच्छेद का अभाव व्याप्य वत पक्षतावच्छेदक है, पक्षतावच्छेद का अवच्छेदक वत अन्योन्य भाव वाला पक्षतावच्छेद है, कभी अत्यंत भाव कभी अन्य भाव लक्षित घटन, और एक बार बिना व्याप्य का एक बार व्याप्य सहित कथन करते हैं, पक्षतावच्छेद का अवच्छेद अन्योन्य भाव व्याप्य वत पक्षतावच्छेदकम इत्यपि आश्रया सिद्धि, समान प्रकार ज्ञान से प्रतिबंधकत्वम इति वादिनाम नव्यानाम मतेत्तु, समान प्रकार ज्ञान होना चाहिए, समान विषय का ज्ञान होना जरूरी नहीं, प्रतिपत्ति प्राचीनों का कहना है हमेशा समान विषय होना चाहिए, और इनका कहना है समान प्रकार होने चाहिए, विषय में अंतर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रकार बराबर होनी चाहिए। मते नव्याना मते तु, इनके मत में 4 लक्षण है, पक्षतावच्छेद का भाववान पक्ष पहला ये वही रहेगा सुप्रसिद्ध, और पक्षतावच्छेद का भाव व्याप्यवान दूसरा, पक्षतावच्छेद अन्योन्य भावान भेद घटित, और पक्षतावच्छेद अन्योन्य व्याप्यवान पक्ष इत्यादि रेव आश्रय सिद्धि ही। न तो पक्षे पक्षतावच्छेद का भाव, पक्ष में पक्षतावच्छेद भाव आदि ने जो 15 में गिनाया था दूसरे तीसरा आदि उनको लेना उचित नहीं है, क्यों तद व्याप्यादिरपि च, और कहीं क्या क्या अभाव और अभाव व्याप्य, अन्योन्य भाव अन्योन्य भाव का व्याप्य, ये 4 प्रकार से पक्षतावच्छेद को पक्ष में घटाया, पक्षतावच्छेद व्याप्य को हेतु में घटाया, और अवच्छेद को भी अवच्छेद का अवच्छेद ने लिया, उसके भी 4 भेद हो गए, इसे अपने आप 15 ऐसा नहीं बना, एक ही था उसके 2 भाग कर दे पहले, फिर अन्य भाव और अत्यंत भाग लेकर फिर 4 हो गया, और 4 का फिर
अवच्छेद का अवच्छेद है ना, चार आठ हो गया। इस तरह संख्या इन्होंने बढ़ाई हुई प्राचीनों ने, उन दो के माध्यम से सबका खंडन कर दिया नवी ने। तद्याप्यादिरपिन च, ये जो है न लक्षणम ऐसा अन्वय होगा। तद ज्ञान से अनुमिति तद कारण कर्ण परामर्श प्रतिबंधक, तो या क्योंकि पक्ष में पक्ष में पक्ष तो अवच्छेद नहीं है। ये जो ज्ञान होता है यह ज्ञान न तो अनुमिति का प्रतिबंधक है न तत्कारण व्याप्ति ज्ञान परामर्श का प्रतिबंधक भी नहीं है। अतएव तुम्हारा लक्षण दोष का लक्षण जाएगा नहीं। हित्तवासस्यैव तत्र अभावात्। सर्व साधारण आश्रय सिद्धि अनुगत लक्षण क्या है, एक लक्षण बना देंगे। पक्षतावच्छेद प्रकार का पक्ष ग्रह विरोधितावच्छेद, ये मुख्य लक्षण हो जाता है।